एक नई वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक डैशबोर्ड के बारे में। अगर आप फेसबुक चलाते हैं या फेसबुक पर पेज बनाए हुए हैं और आप अपने पेज या प्रोफाइल से पैसे कमा रहे हैं तो आपको पता होगा फेसबुक प्रोफाइल डैशबोर्ड के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा डैशबोर्ड का यहाँ पर पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। फेसबुक जो अपडेट आया हुआ फेसबुक के डैशबोर्ड को लेकर आया हुआ। तो अगर आप भी यहाँ पर फेसबुक चलाते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर डैशबोर्ड में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और आपको उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल ब्रिजटेक पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए फेसबुक मेरा जो है वो ओपन है और साथ में अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेटेड भी रखा हूँ और आपको भी अपना फेसबुक यहाँ पर एप्लीकेशन जो है अपडेटेड रखना है। जैसे अपडेट रखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल जो है इस राइट साइड में दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है। अब आपको यहाँ पर चूज करना है अपना यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर इंटरफेस ऊपर तरफ भी दिख रहा हो तो आप भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको अभी यहाँ सब कुछ पुराने जैसा ही दिख रहा होगा, बट अभी देखिएगा यहाँ पर चेंजेस क्या होने वाले हैं। आप देखेंगे तो नीचे आपको वही चीज़ सब कुछ दिखेगा, यहाँ पर पेज रिकमेंडेशन मोनेटाइजेशन पेआउट ये सब कुछ वैसे दिखेंगे। बट आप यहाँ पर ऊपर तरफ देखिए जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो है सेक्शन यहाँ पर चेंज आपको देखने मिलेगा। और ये इंटरफेस बिल्कुल एनालाइज करने के लिए है कि आप अपने फेसबुक पेज पर क्या कर रहे हैं और फेसबुक पर अगर आप रील्स या वीडियोज बनाते हैं तो आपके रील्स जो है वायरल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सब कुछ पूरा डेटा एनालाइज यहाँ पर करने का मौका दे रहा है और साथ में यहाँ पर सब कुछ उसको शो करेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं इनसाइट्स पे, क्रिएशन पे, इंगेजमेंट पे और ये सब अलग अलग जो है सेक्शन ऐड कर दिए गए हैं जो कि आप इनसे एनालाइज कर सकते हैं अपने वीडियोज अपने रील्स को। अब देखिए गाइस यहाँ पर होता क्या है, पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इंसाइट्स पे तो आपको इंसाइट पहले भी देखने मिलता था बट यहाँ पर कुछ इस तरह से इतना ही देखने मिलता था कि आपके वीडियो पे कितना रीच गया है और उससे इंप्रेशन कितना आया हुआ है। आपको यहाँ पे इंसाइट्स देखने मिलता है जिसके अंदर अगर अपना रील्स आप क्रिएट करते हैं तो आपका रील्स का इंप्रेशन और आपका रीच यहाँ पर दिखाई पड़ता है और आपने कितने कंटेंट्स यहाँ पर जो है अपलोड किए हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट यहाँ पर दिख रहा है तो आपने रील्स के जो है यहाँ पर पूरा एनालाइज कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं और साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपका जो भी फॉलोअर्स है कितने इंगेज जो है, एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, तो सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो में यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरा कंट्री सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, साथ में आप देखिए क्रिएशन का एक ऑप्शन दिखता है, इस पर हम टाइप करते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक रील्स क्रिएटर हैं या एक आप यहाँ पर वीडियो क्रिएटर हैं अगर आप यहाँ पर वीडियोज अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्रिएट फ्रॉम्स योर टॉप पोस्ट, अगर ये पोस्ट देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए लाइक्स दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है जिसके अंदर ये बता रहा है कि ये ऐसे पोस्ट हैं जो कि अगर आप इनको दोबारा से बनाते हैं तो आपको रीच अच्छा मिलेगा और आपके वीडियोज पर जो है व्यूज वगैरह जाएंगे अच्छे, तो आप इनको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं रील्स में और आप इनको रील्स बना सकते हैं, अपने किसी भी बड़े वीडियोज को रील्स बना सकते हैं कि वो सिंपल यहाँ पर क्रिएशन पर क्लिक करने पर। काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है जो कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिलता है और साथ में अपने पोस्ट को यहाँ पर शेड्यूल भी कर सकते हैं जो भी आपके पोस्ट होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सॉन्ग्स हैं टॉप सॉन्ग्स जो हैं वो यहाँ पर आप जो है चेक कर सकते हैं और आप इन सॉन्ग्स को अगर यूज करते हैं तो आप इन वीडियोज पे अच्छा एंगेजमेंट पाएंगे अगर आप रील्स बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर रील्स बनाना है तो सिंपल सारे वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पर रील्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे लास्ट में यहाँ पर एंगेजमेंट का ऑप्शन दिखता है, किस रील्स पर कितना एंगेजमेंट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितना रिएक्शन मिला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन जो है 10 रिएक्शन 16 रिएक्शन इस तरह से मिला हुआ है। तो मतलब कि ये रील्स जो है इनके इन पर जो है इंगेजमेंट अच्छा है तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉय कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको चेक कर लीजिए और साथ में अब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन का फीचर दिखता है जिसके अंदर आपको अपना स्टार और एड्स ऑन रील्स इनेबल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एनालिसिस पूरा खुल जाएगा, यहाँ पर जो भी आप जो है क्रिएट करते हैं अगर आप रील्स बनाते हैं एड्स ऑन रील्स आपका इनेबल है तो यहाँ पर आपका डेट यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा। तो इस तरह से अगर गाइज आप क्लिक करके चेक करते हैं तो ये डैशबोर्ड का नया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा, नया लुक देखने को मिल जाएगा। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको डैशबोर्ड का नया अपडेट कैसा लगा है और नया लुक कैसा लगा है अगर आप यहाँ पर फेसबुक पेज बनाए हुए हैं और डैशबोर्ड अपना यहाँ पर ओपन किए हैं प्रोफेशनल मोड में। तो वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।